ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यार फारसी में थोड़ी कह रही हूँ जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुमने काशी भाई से कहा, वो तुम्हें खुद वहां ले गए, मगर फायदा कोई नहीं हुआ। उस काशी का एहसान भी ले लिया और फिर फहद नहीं था वहां पर। पागल हो गई हो क्या? अरे तुम जानती भी हो कि काशी भैया के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा, और तुम? मुझे मालूम है मेरा क्या रिश्ता है, मगर मैं कुरियो जरा वक्रे टाइप की। मेरी जैसी कोई है और ना ही कोई होगी। तुम्हारे काशी भाई है ना, उनको भी पता है ये। वो सब तो ठीक, कि तुम्हें सारा भी खौफ नहीं है उनके साथ ये सब बातें करते हुए? कैसा खौफ? काशी सब कुछ पहले से जानता है और दादी को भी सब कुछ पता है। मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। ये तो एक हादसा पेश आ गया और अब्बा जी ने फौरन पकड़ के मेरा उसे निकाह करवा दिया, लेकिन मैं उसे अपनी जीत का जश्न नहीं मनाने दूंगी। तुम्हारी अकल पे तो ना पत्थर पड़ गए। तुम्हें पता भी है तुम्हारा निकाह हो गया है, अब क्या तलाक लोगी? हाँ। अगर जरूरत पड़ी ना तो ये भी कर जाऊंगी मैं। बात को समझने की कोशिश करो। काशी भाई ने और दादी ने जिस मुश्किल हालात में तुम्हारा साथ दिया है, कम से कम उनका इतना तो एहसान मानो। किस बात का एहसान मानू? ये पोता और दादी ना कब से इसी ताक में बैठे हुए थे। दिल की मुराद पूरी हुई है इनकी, बल्कि मुझे तो शक है जरूर इन लोगों ने कोई काला जादू करवाया होगा। तभी तो मेरा फहद मेरी बारात लेकर नहीं पहुंचा। इसे समझाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। पता नहीं तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि फहद धोखेबाज है। अरे धोखा दिया उसने तुम्हें। मुझे नहीं यकीन इस बात पे। जब तक फहद अपने मुंह से ये सारी बातें नहीं कहेगा, मैं किसी पे यकीन नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।